हेलो दी, कैसे हो आप? मस्त मैं अच्छी हूँ। तुम बताओ क्या चल रहा है आजकल। एकदम। एज ऑलवेज, आजकल तो फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है। हाँ ओह दैट्स ग्रेट। अच्छे से मन लगा के स्टडी करना। जी दीदी, जरूर। तो 12th के बाद क्या प्लान्स है तुम्हारे। अभी ज्यादा कुछ तो नहीं, मगर हाँ, DU से ग्रेजुएशन करने का सोचा है। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो तुम्हें इस बार 12th के एग्जाम के साथ साथ CUET की भी तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ जी दीदी, उसकी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं करी और CUET के बारे में ज्यादा पता भी नहीं है, तो आप समझा दो ना थोड़ा उसके बारे में। अरे हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। CUET इज एन ऑल इंडियन टेस्ट कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA फॉर एडमिशन टू डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और प्रोग्राम्स इन 45 यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री। और बाकी CUET की ज्यादा जानकारी के लिए तुम भारत ज्ञान अक्षर का एक यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी इसकी एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें वे इसके एग्जाम के बारे में सब कुछ बताएंगे कि कैसे प्रिपरेशन करनी है एंड ऑल। ये तो बहुत सही है, अभी करती हूँ भारत ज्ञान अक्षर के चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी बोलती हूँ, वो भी बहुत परेशान थे CUET को लेकर। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बता, तूने कोई कॉलेज सेलेक्ट किया कि तो किस में जाएगी। नहीं, अभी इतना सब डिसाइड नहीं किया, ना ही ज्यादा पता है कुछ DU के बारे में। चल कोई बात नहीं, मैं तुझे अपने कॉलेज के बारे में बताती हूँ। मैं भी तो DU में ही हूँ ना। अरे हाँ, बताओ ना दी, कौन सा कॉलेज है आपका? माई कॉलेज इज भगिनी निवेदिता कॉलेज, अ गर्ल्स कॉलेज नेम्ड आफ्टर सिस्टर निवेदिता, अ डिसिपल ऑफ स्वामी विवेकानंद, इज अ नैक एक्रेडिटेड बी ग्रेड कॉलेज। द कॉलेज इज लोकेटेड इन अ पीसफुल सीरीन एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट ऑफ केर, लोकेटेड अबाउट 6.5 किलोमीटर्स ऑफ नजफगढ़ इन वेस्ट डेली। द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इज द्वारका मोड़, फ्रॉम वेयर द कॉलेज इज जस्ट अबाउट 20 मिनट्स अवे एंड यू कैन गेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेरी इजिली फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। अच्छा दी, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? कॉलेज में क्या-क्या फैसिलिटीज है? इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डिंग स्ट्रक्चर तो ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन फैसिलिटीज सारी अवेलेबल है। लाइक इट हैज़ अ फुल फ्लेज लाइब्रेरी विद अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ अबाउट 25,000 बुक्स, आउट ऑफ विच अबाउट 7,000 आर टेक्स्ट बुक्स, एंड सब्सक्रिप्शन टू 54 मैगजीन एंड जर्नल्स एंड 12 न्यूज पेपर विद अ वेल मेंटेन्ड रीडिंग रूम, अ ह्यूज ऑडिटोरियम फॉर फंक्शंस एंड सेमिनार्स, प्रैक्टिकल रूम, हाइजीनिक कैंटीन, वेल वेंटिलेटेड एंड स्पेशियस क्लासरूम्स, स्पोर्ट्स रूम, प्लेग्राउंड, म्यूजिक रूम, वाईफाई, स्मार्ट क्लासरूम एक्सेट्रा। अच्छा है दी, पर फिटनेस के लिए वहां पे क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है? I mean, कौन कौन से गेम्स खेल सकते हैं हम? द स्पोर्ट्स रूम ऑफ आवर कॉलेज हैज फिटनेस फैसिलिटीज सच एज साइकिल, ट्विस्टर, स्टेपर्स, स्किपिंग रोप्स, मल्टी बेंच प्रेस, मैट्स फॉर क्रंचेस एटसेट्रा, एंड हैव अ बिग प्ले ग्राउंड वेयर स्टूडेंट्स कैन प्ले एनी गेम ऑफ देयर चॉइस। अच्छा दी, ये सब तो ठीक है, कोर्सेज के बारे में भी बताओ, कौन कौन से कोर्सेज है कॉलेज में? हाँ हाँ क्यों नहीं बताती हूँ। द कॉलेज हैज ऑलमोस्ट ऑल द कोर्सेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस विच आर BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स हिस्ट्री, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BSc ऑनर्स होम साइंस, BSc ऑनर्स फिजिक्स, BA प्रोग्राम, BSc फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस एंड BSc फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, BCom ऑनर्स एटसेट्रा। फिर तो सही है, सारे स्ट्रीम के बच्चे एक ही कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा दी, कॉलेज की सोसाइटीज के बारे में बताओ ना कुछ, कौन कौन सी सोसाइटीज हैं? सोसाइटीज तो सभी कॉलेजेस में होती हैं जिससे बच्चे अपने स्किल्स डेवलप कर सकें। उसी तरह हमारे कॉलेज में भी डांस सोसाइटी, ड्रामा सोसाइटी, डिबेटिंग सोसाइटी, इकोनॉमिक सोसाइटी, केमिस्ट्री सोसाइटी, हिंदी सोसाइटी, NSS, NCC और भी बहुत सारी सोसाइटीज हैं जो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ हमारे कॉलेज में एक एलुमिनी सोसाइटी भी है। वाओ, मतलब कॉलेज में स्टडी के साथ खूब मस्ती भी कर सकते हैं दी। पर कॉलेज में एनुअल फेस्ट भी तो होते हैं ना, जिसमें सेलिब्रिटीज आते हैं, उसके बारे में भी बताओ ना थोड़ा सा। हाँ हाँ हमारे कॉलेज के एनुअल कल्चरल फेस्ट का नाम नवरंग है और वो बहुत एक्साइटिंग होता है। डीजे नाइट होती है, सेलिब्रिटीज आते हैं, अलग अलग सोसाइटीज के कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं जिसमें जीतने वालों को प्राइज भी मिलते हैं, और भी काफी सारी एक्साइटिंग चीजें होती हैं, बहुत मजा आता है। ये तो बहुत एक्साइटिंग साउंड कर रहा है, बहुत मजे आएंगे इसमें तो, ऐसा कुछ स्कूल में तो नहीं होता था, बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस होने वाला है कॉलेज में। हाँ हाँ बिल्कुल, स्कूल और कॉलेज लाइफ में बहुत डिफरेंस है। इतना ही नहीं, BNC आफ्टर ग्रेजुएशन प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करता है जिसमें KPMG, कोटक जैसी कंपनीज आती हैं और अच्छे से प्लेसमेंट लग जाती है। दीदी, आपको कोई प्रॉब्लम्स भी तो होती होगी ना कॉलेज में, मतलब कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो होंगे?
हाँ, क्यों नहीं, होती है बिल्कुल। जैसे कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है तो आउटसोर्सिंग स्टूडेंट्स को पीजी ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ ज्यादा खास नहीं है। बाकी स्टडी के लिए कॉलेज बहुत ही अच्छा है एंड टीचर्स आर वेल क्वालिफाइड हु आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प स्टूडेंट्स। तो क्या डीयू में हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं होती? होती है पर सब में नहीं होती, और सभी डीयू कॉलेजेस के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें और कॉलेजेस के बारे में जानना चाहती हो तो भारत ज्ञानाक्षर का एक यूट्यूब चैनल है बीजी इन्फो मीडिया के नाम से, एंड वहाँ डीयू के कॉलेज की एक सीरीज बनी हुई है, वहाँ तुम्हें काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है डीयू के कॉलेजेस के बारे में। ओके दीदी, मैं इसे फॉलो कर लूंगी। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप जुड़े रहें भारत ज्ञानाक्षर के साथ। धन्यवाद।